बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत है? मैं हूं आपको दोस्त अताउर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल ARCS पेशावर। जी दोस्तों, आज जो कि वीडियो एक्स के बारे में है, माशाल्लाह से इस जोड़े के अंडे जो हैं वो दस्तयाब है। ये देखे अभी मादी बैठी हुई अंडे के लिए, नज़र आ रहे साफ, ठीक है, अंडा देने के लिए बैठी हुई है। यह उसके साथ नर है और इसके बच्चे कैसे निकलते हैं आप सबको पता है कि भाई इसके बच्चे, आधे बच्चे सफ़ेद निकलते हैं, आधे बच्चे ब्लैक निकलते हैं, ठीक है। और माशाल्लाह से इसके अंडे सेल हाथों हाथ हो जाते हैं और जो बच्चे जो हैं वो खैर से इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, एबटाबाद, यहाँ पर इसके बच्चे अभी भी घूम फिर रहे हैं। वो मुझे वीडियो कभी कभी सेंड कर देते हैं ना, जिनके मैंने इनके चूज़े सेल किए थे। तो बस आज की वीडियो इसलिए कि भाई फिर अक्सर लोग कहते हैं कि आपने हमें पहले नहीं बताया वगैरह वगैरह, तो मैं 3-4 दिन वेट कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं इस मुर्गी के नीचे अंडे लगा दूँगा, क्योंकि इसमें कुड़कपन आ गया है ना। तो ये तकरीबन 10 अंडे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंडे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल फ्रेश एग है। तो जिस भाई को चाहिए, क्योंकि कॉल्स बहुत आती है ना एग्स के लिए, तो अभी तक मेरे पास एग्स थे नहीं, अब एग्स हैं, जिसको चाहिए बस वो रब्ता करें, इंशाल्लाह अच्छी नॉर्मल प्राइस में आपको मैं लगा के दूंगा, ठीक है। और आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें इनके बच्चे आपको नज़र आएंगे, ठीक है। मोबाइल मुझे दे दें और बाकी मैं वीडियो इस तरह बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये नर कड़ा है और वो मादी है, ठीक है जी, वो मादी अभी भी अंडों के लिए बैठी हुई है। नर जो है अभी भी कुरीज में, दुमसी कुरीज में, ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल वाइट नोक, वाइट नली, वाइट आइज़ में बच्चे बहुत प्यारे निकालते हैं, ठीक है। मादी बिल्कुल वाइट आंखों में, बिल्कुल साफ़ सुथरी आंखों में, ठीक है, और दहशतनाक चेहरा है इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। ये अंडे मैं 2-3 दिन बाद लगा दूँगा फिर, ठीक है ना। चूज़ों का शौक करवाता हूँ आपको मैं, माशाल्लाह से देखें, ये चूज़े भी बड़े हो गए हैं खैर से, सही है। टिकटॉक पर आप देखते रहते हैं, टिकटॉक वाली जो मेरी आईडी है वो भी ARCS पेशावर के नाम से ही है, ठीक है। तो इनकी मैं वीडियोस लगाता रहता हूँ। ये एक इसमें कलरफुल आया है, दूसरा इसमें वाइट आया है, और तीसरा जो है चीना आया है, बिल्कुल मापे गया हुआ है माशाल्लाह से। इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं अच्छा, और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर में बने हुए हैं माशाल्लाह से। ये मैं जब भी कुड़क पे अंडे हैं नहीं मेरे पास, क्या लगाऊं, ठीक है। ये नर देखें, गुस्सा देखें इसका, सिर्फ किस तरह खड़ा है, दुम ये भी निकाल रहा है, और भी माशाल्लाह खूबसूरत दुम निकालेगा, सफ़ेद बिल्कुल कुरीज में है ना, ये भी कुरीजे साफ़ कर रहा है, छोटे छोटे परिस के निकले हुए, जगह गंदी है अंदर, देखिए सारी जगह गंदी है, इसको साफ़ करूँगा मैं, इस वजह से ये सफ़ेद जो होते हैं ना ये गंदे हो जाते हैं जल्दी। ये हमारे पास माशाल्लाह से 3 चूजे बड़े हो गए। मादी देखें, मादी किस तरह खड़ी है, ये अभी जो मैंने आपको यहाँ पे सफ़ेद दिखाई उसकी बेटी है ये, माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी आंखें, साफ़ सुथरा नोक, साफ़ सुथरी नलियाँ हैं इनकी, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल खूनख्वार जोड़ा है, ये नर जो है ना बिल्कुल, ये देखें इसके परकार ही है ये मादी, यहाँ से परकाएँ, ये देखें जी, वो सब चुप करें सर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता ना, बिल्कुल किसी को बर्दाश्त नहीं करता है। इंशाल्लाह उम्मीद है हफ्ते के अंदर अंदर इनका, इनके भी अंडे आ जाएंगे, क्योंकि खैर से क्रॉसिंग शुरू हो गई है और मादी ने जोल भी बना लिए, वो खूबसूरत लासानी मादी है, ओल्ड फेस में, ओल्ड ब्लड लाइन में, ठीक है। लेकिन बस इसमें मसला ये है कि पर्क आती है, लेकिन कमर से इसके पर्क आए, गले से भी थोड़े थोड़े पर्क आएंगी इसमें। और ये नीचे देखें जी, मेरा ये फेवरेट, सबसे फेवरेट मेरा ये चूज़ा, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत चूज़ा है, देखें ये वाइट और इस मादी का क्रॉस है ना, तो आधा वाइट बना है और आधा जो है अपनी माँ पे गया हुआ है, देखें ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये चूज़े हैं जी, आप देख सकते हैं, खोल दिया मैंने इनको थोड़ी देर के लिए, ठीक है, शौक कर लें। जिन भाइयों को पसंद हो इसमें कोई चूज़ा तो बिल्कुल कह सकते हैं, मैं उनको सेल कर दूँगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बस मैं इनको अब हफ्ते बे हफ्ते खोलता हूँ, आज संडे है ना, तो हफ्ते बाद मैं इनको खोलता हूँ, तो आज मैंने इनको खोल दिया, सही है, बस ये ज़रा अभी अपने पर मर मार के ख़ुद को फ्रेश कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। बस आज की वीडियो इतनी थी, और जिनको एग्स चाहिए वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी रब्ता कर ले, और क्योंकि फिर ऐसा होता है मैं या सेल कर देता हूँ या मुर्गी के नीचे लगा लेता हूँ ना,
तो फिर लोग कहते हैं भाई आपने इतनी जल्दी क्यों लगा दिया मुर्गी के नीचे, या आपने इतनी जल्दी सेल क्यों कर दो, सेल तो इसलिए जल्दी हो जाता है भाई जब गाहक आता है तो हम उसको दे देते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश एग है, सही है दोस्तों। ओके जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।